उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक सिक्किम रिफ्यूजी मेले का आयोजन किया जा रहा है। उस मेले में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मेले के लोगों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दी। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल लापता युवती का नाम कुमारी नियंग जगमो बताया जा रहा है, जो लेह लद्दाख की रहने वाली है। युवती छुट्टियों के समय सिक्किम रिफ्यूजी मेले में अपने परिजनों के साथ दुकान पर ही रहती थी। अचानक बीते रविवार युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई, जिसे मेले के सभी लोगों ने जनपद भर में जगह जगह तलाश किया। युवती के ना मिल पाने से पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक सिविल लाइन पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं की है। 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि सीओ सिटी हरीश भदौरिया का कहना है कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द लापता युवती का पता लगा लिया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट। ये सोल्जर बोर्ड में तिब्बतियंस ने एक गर्म कपड़ों की सेल लगा रखी है, वहाँ से एक लड़की कल से मिसिंग है, जो उनके सहयोगी साथियों द्वारा एक मिसिंग थाने पर दी गई है, दर्ज करा के उसकी तलाश कराई जा रही है। कुमारी नियंग जगमो नाम है, ये लेह लद्दाख की रहने वाली है, चौकलाम थाना चौकलाम लेह लद्दाख की। गर्म कपड़ों की सेल लगाते हैं, जाड़ों के दिनों में अनुमति लेके इन्होंने अपना एक बाजार लगा रखा है। नहीं, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, तलाश कराई जा रही है।